हेलो SBWP गैंग, अजय भैया हियर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं साइंस वन और साइंस टू के जो भी टर्म एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं, उसमें अगर आपकी 0%, जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपकी बस 0% स्टडी हुई होगी तो भी आप 25 से ज्यादा मार्क्स गिरा सकते हो। क्योंकि स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड तक भैया आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एट द सेम वे आपको एकदम बाप स्ट्रेटर्जी आपको मिलने वाली है, और एक ऐसी स्ट्रेटर्जी मिलने वाली है जिसमें कि आप टर्म एग्जामिनेशन में फोड़ दो और 0% स्टडी भी आपकी हुई होगी तो भी आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में महारत हासिल कर लोगे। सो स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं, और अगर आप मेरी इसी पर्टिकुलर लेवल को मैच करते हो तो स्टूडेंट्स सभी बच्चे, जी हाँ 2 सेकेंड का समय लगेगा बस, सभी बच्चे नीचे कमेंट करेंगे कि चैलेंज एक्सेप्टेड। जी हाँ स्टूडेंट्स, सभी बच्चे नीचे कमेंट करेंगे चैलेंज को भैया हम कर चुके हैं एक्सेप्ट, और आप जो जो चीजें हमको बताने वाले हो उन चीजों को हम फॉलो करेंगे। अगर हो सके तो स्टूडेंट्स प्लीज नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बस टर्म एग्जामिनेशन नहीं, दिवाली के पूरा रोड मैप, एट द सेम वे नवंबर में किस प्रकार से स्टडी करना है, प्रीलिम्स को किस प्रकार से फोड़ना है, कौन से वे में आपको आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशंस को डील करना है, वो सभी चीजें भैया बताते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम सभी को पोर्शन समझना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अगर हम पोर्शन नहीं समझेंगे तो जाहिर सी बात है हमको कुछ भी चीजें नहीं समझने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देख सकते हो, ये साइंस वन का है, ठीक है, दिस इज द पोर्शन ऑफ साइंस वन। इसी प्रकार से आपका पैटर्न पेपर आएगा जो कि है टोटल स्टूडेंट्स 40 मार्क्स। अभी मैंने जैसे आपको बोला स्टूडेंट्स, अगर आपका कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ होगा बट स्टिल यू कैन अचीव अराउंड 25+ मार्क्स। अभी 25+ मार्क्स कैसे करोगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1A, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1A ये होता है स्टूडेंट्स MCQ, और ये जो हमारा MCQ होता है ये होते हैं टोटल 5 मार्क के। सिंपल, ये तो आप कर सकते हो। अभी इसको कैसे करोगे, देखो जितने भी आपके चैप्टर्स है, ठीक है, जितने भी आपके चैप्टर्स है तो उन चैप्टर्स के जो भी डाइजेस्ट आप फॉलो करते हो, उन डाइजेस्ट के पीछे जो भी नोट्स आप फॉलो करते हो, जो भी टेक्स्चुअल आप फॉलो करते हो, उनके सभी के आधे घंटे के अंदर एक बार पढ़ लेना, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कौन से सही आते हैं। तो यहाँ पे आपके 5 मार्क कवर हो रहे हैं, ठीक है, सिंपल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1B कुछ इसी प्रकार से सम होते हैं, लेकिन इनमें फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होते। इनमें क्या क्या आएगा स्टूडेंट्स, मैच द फॉलोइंग आएगा, फिर उसके बाद ट्रू और फॉल्स आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, नेम द फॉलोइंग। इन तीनों में से ही कुछ ना कुछ आएगा। तो स्टूडेंट्स इसके लिए भी आपको मिल रहे हैं विच इज 5 मार्क। मतलब स्टूडेंट्स आप बस इतना भी करोगे तो आपके 10 मार्क कवर अप है। हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बड़े बड़े आंसर्स के पीछे भागते हैं, और जो हमारे हक के मार्क्स होते हैं उन्हीं मार्क्स को कभी कभी हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि मुझे, सभी बच्चे नीचे कमेंट करेंगे हाँ भैया चैलेंज एक्सेप्टेड, 1 घंटे के अंदर, देखो एकदम ऑनेस्टली करना है, 1 घंटे के अंदर आपको MCQ भी निपटाने हैं और ये वाले क्वेश्चंस भी आपको, नेम द फॉलोइंग वगैरह वगैरह सभी चीजें आपको निपटानी है 1 घंटे के अंदर, 10 मार्क आपके कवर हो रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया गिव रीजंस कौन से आते हैं वो बता दोगे तो हमारा आधा काम हो जाएगा। देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स आएंगे आपके गिव रीजंस, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स आएंगे आपके गिव रीजंस। एक मास्टर प्लान बोलू, गिव रीजन जो होगा ना, सुनो ध्यान देना सभी बच्चे, गिव रीजन जो होगा, एक गिव रीजन आपको चैप्टर नंबर 2 से कंपल्शन आने वाला है, मतलब आने वाला है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इससे आपको एक चैप्टर, मतलब ये पर्टिकुलर चैप्टर से एक गिव रीजन आएगा, कंपल्शन है, आएगा मतलब आएगा, डंके की चोट पे कह रहा हूं मैं। और एक जो गिव रीजन आएगा वो आएगा आपको चैप्टर नंबर 3 से, ठीक है, वो जो शहाबाद टाइल वाला होता है, देखो वो वाला, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में से एक एक गिव रीजन आने वाले हैं। मतलब आप भले ही बाकी के चैप्टर्स करो मत करो, बट गिव रीजंस आपको चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के आपको गिव रीजंस करके रखने हैं, जो कि टोटल मार्क्स आपको दे देंगे 4 मार्क्स। मतलब कितने हो गए देखो, 10 और ये 4, टोटल 25 में से भैया ने कितने मार्क का स्ट्रेटर्जी बता दिया है आपको, सभी बच्चे करेंगे या नहीं, यस और नो, 14 मार्क्स का यहाँ पे बता दिया है। अभी स्टूडेंट्स आप बोलोगे भैया 14 मार्क्स हो गए, रिमेनिंग 15 मार्क्स या फिर रिमेनिंग 11 मार्क्स हम कहां से करें। देखो
एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो रिमेनिंग आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2B, अभी इसमें आएंगे स्टूडेंट्स पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कहां पे मिलेंगे, देखो स्टूडेंट्स, टर्म एग्जामिनेशन के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, साइंस वन और साइंस टू, इन दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो लिंक है ना, वो लिंक भैया ने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उनमें से अगर आपने, मैंने जितने भी टिक करके दिए हैं उनमें से अगर आप बस उतने भी करके जाओगे तो भी आप आराम से 14 मार्क उसमें गिरा लोगे। 14 मार्क्स आप क्या कर लोगे स्टूडेंट्स, आराम से उसमें गिरा लोगे। बट द थिंग इज दैट कि आपको वो पूरा वीडियो एकदम डिटेल में देखना पड़ेगा, पूरे उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे। साइंस वन साइंस टू में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। अभी स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से मैंने आपको गिव रीजंस के इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के, उसी प्रकार से आपको गिव रीजंस के जो भी इंपॉर्टेंट होंगे, ध्यान देना, वो मैं आपको बता रहा हूं साइंस 2 के। एकदम अच्छे से ध्यान दो साइंस 2 के, हेलो ध्यान दो, हेलो ध्यान दो। अभी स्टूडेंट्स साइंस 2 के कौन से, देखो आपने हमेशा देखा होगा व्हाई वी फील एग्जॉस्टेड आफ्टर एक्सेस ऑफ एक्सरसाइजिंग, जो हमारा चैप्टर 2 का है, लिविंग प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2, लाइक लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, सॉरी पार्ट 1 का। और एक वाला जो आएगा वो आएगा हमारा चैप्टर नंबर 4, जो कि है हमारा एनवायरमेंट का चैप्टर, ठीक है, एनवायरमेंट का। अभी स्टूडेंट चैप्टर 4 से और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 4 से स्टूडेंट्स आपको जो दिखता है चिपको मूवमेंट, एट द सेम वे सेक्रेड ग्रूव्स बोल के है, देखो सेक्रेड ग्रूव्स, और हमारे जाधव मोलाई पयांग, ठीक है, जाधव मोलाई पयांग, ये वाले जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपको एकदम, मतलब एकदम डिटेल में करके रखने हैं। चैप्टर 4 में आप अगर ये चिपको मूवमेंट, सेक्रेड ग्रूव्स, जाधव मोलाई पयांग, ये चीजें अगर आप एकदम डिटेल में कर लोगे ना, तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको सभी चीजें एकदम अच्छे से समझ में आ गई है। यहाँ पे आजू बाजू में मैं दोनों तरफ साइंस 1 और साइंस 2 के वीडियोस में डाल रहा हूँ, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो देख के जाना है। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। और हाँ, जाते जाते प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी हेल्प हो जाएगी और मेरे को ग्रो होने में मदद मिलेगी, तो जाहिर सी बात है आप भी धीरे धीरे ग्रो हो जाओगे। मिलते हैं, तब तक ये वीडियो देख के जाना है, बाय।